हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इस टाइम मैं हूँ छत पे और बस अभी थोड़ी देर पहले हनुनू करी हूँ, सारा काम करते वरते हो गया है। दोपहर के 12 बस के 15 या 30 हो रहे होंगे, 12, 15 या 30 हो रहे होंगे। और आजकल एक दिन में कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं, धूप इतनी ज़्यादा डिम होने लगी है ना कि पूछने की बात नहीं। कल अपने सारे वूलन वाली जैकेट, जीन्स और ये वूलन वो नाइट सूट है ये धुला था, तो शाम को देखा कि सूख गया होगा, पर ये सूखे नहीं थे तो इन्हें एक दिन के लिए और डालना पड़ा। थोड़े थोड़े से सूखे लग रहे हैं, तो अभी 4 बजे या 3 बजे ले जाएंगे। और यहाँ पे जूते भी धुल के डाले थे जो कि अब सूख गए, परसों डाले थे तो कल भी नम थे क्योंकि अंदर फॉर्म लगा हुआ है, तो कल भी नम थे, आज सूख गए हैं तो शाम को ये ले जाएंगे। और खाने में बना है आज मटर की तहरी। सर्दियाँ हो तहरी ना बने ऐसा हो नहीं सकता, तो बस मटर की गरम गरम तहरी बनी। सारे लोग आज घर पे थे ना, नैन्सी को छोड़ के, नैन्सी कोचिंग गई थी तो ये घर पे, और मम्मी भी घर पे ही थी। मम्मी अपना ऑफिस में कुछ काम कर रही थी घर पे, तो फाइल वाइल वगैरह उनकी है ना चुनाव वाली कुछ, तो वो कर रही थी। और भैया के ऑफिस में छुट्टी है तो भैया भी घर पे थे सारे लोग। और भैया आ गए थे सुबह ही, 11 बजे आ गए थे छत पे, और हम लोग सोच रहे थे बहुत देर हो गई है छत पे, तो वो नीचे क्यों नहीं आए, तो वो देखो दिख रहा है। तो भैया मस्त गहरी नींद में सो रहे हैं छत पे, धूप है ना, और उनको बैक में हल्का सा, परसों उनकी थी बैक की एक्सरसाइज थी जिम में, तो उन्होंने डेडलिफ्ट वगैरह ज़्यादा कर ली तो उनके बैक में पेन हो रहा था, तो उस वजह से धूप में लेटे थे। और यार सर्दियों में धूप में लेटने का जो मज़ा होता है ना, वो मज़ा ही अलग होता है, तो धूप में लेटे बस उनको नींद आ गई, सो गए। और अभी जब मैं छत पे आई ना तो मैंने देखा कि वो सो रहे हैं, इस वजह से काफ़ी देर से वो नीचे नहीं आए। चलो हम भी धूप में थोड़ी देर खड़े हो रहते हैं, अपने बाल नेचुरल लाइट में सुखा लेते हैं, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों बन गई है गरम गरम मटर की तहरी और थोड़ा सा प्याज का सलाद लिया है साथ में खाने के लिए। अचार वगैरह की कोई नीड नहीं थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चटपटी बनी थी, मस्त ही बनी थी। और गरम मसाला पड़ा है तो सोने पे सुहागा हो गया। 4 बजने वाले हैं, हमको जाना है। कहाँ जाना है? हमको जाना है दीदी के साथ। तो 4 बज गए, फटाफट कपड़े उठा लो। क्या खेल रहे हो तुम लोग? कौन सा ये? चलो भाई कपड़े उठा लेते हैं, बच्चों को खेलने देते हैं, निकलना है मोनिका के साथ। चलो यहाँ मैं और आंटी बात करने में लगे हैं किसी बारे में और हंस भी रहे हैं, और आंटी को बिल्कुल भी नहीं पता है कि कैमरा मैंने कहाँ सेट किया है। वो नॉर्मली हमसे बात कर रही हैं, अब जब वो व्लॉग देखेंगे कल ना तब वो बोलेंगे सोनल तुमने बोला ही नहीं। पर मेरी कोई फॉल्ट नहीं, मैंने तो कैमरा लगाया था, सोचा था ऐसे साइड में देखते हुए अपनी हेयर कॉम्बिंग करूँगी, पर आंटी भी आ गई बात करने को तो फिर मैंने ढेर सारे कपड़े ले लिए, जूते ले लिए अपने, चलते हैं नीचे क्योंकि मोनिका का फ़ोन ना किसी भी टाइम आने वाला होगा। और जब ना 100% रेडी रहते तो वो लेट करती है हमेशा, आप देखते हो, पर जब हमको लेट हो रहा था ना तो वो ऑन टाइम हो जाती है, तो ये हम लोग संग होता है ऐसा। चलते हैं नीचे, मम्मी के लिए चाय बनाते, चाय का ऐलान हो चुका है पहले ही कि चाय बना दो फिर तैयार है रहो, तो चाय बनाते हैं। तो चल भैया इन लोगों को खेलने दो। इन लोग आज पता कौन सा खेल रहे हैं? चुड़ैल। चुड़ैल, चुड़ैल कौन बना? तुम लगती भी हो। डरावनी लगती। कैसे डरा रही हो? मेरी आवाज तेज है। कैसे? बता। देखा आपने, हमेशा की तरह इसने बोला 4 बजे चलेंगे और हम 6 से आ गए, और जल्दी जल्दी मैंने कपड़े चेंज किए, बाल बांधे और चाय बना के मम्मी को दे दी, मम्मी पी रही है बाहर। और मैडम का पता नहीं है, हमें फ़ोन किया तो बोल रही है 2 मिनट के बाद आते हैं, इसीलिए आराम रहता, आराम से तैयार हो लो। और टाइम देखो ऐसे देख रहे हैं, घड़ी भी नहीं है, पहनी अभी मैंने जल्दी जल्दी, 4:30 बज गया है, तो चलो जब तक हम भी अपनी चाय पी लेते हैं। घर से निकलने के बाद सबसे पहले गाड़ी रुकी है पेट्रोल पंप पे क्योंकि सेफ्टी लेके ज़रूर चलना चाहिए, तो पेट्रोल फुल किया और जैसे ही आगे गए हम लोग को मिला ये जाम। तो ज़्यादा देर तक तो नहीं था लेकिन था थोड़ा लंबा,
और हम लोग अब यहाँ से निकल गए हैं। आपको गेट दिख रहा होगा, हैंडलूम एक्सपो। तो ये ना मेन रोड पे है, पर जो एग्जीबिशन लगी हुई है वो अंदर की तरफ पार्क में लगी है। तो एक गेट अगेन ये मिला है, काफ़ी डिटेलिंग थी, सब कुछ था, लेकिन हम लोग स्कूटी से थे तो रुक नहीं पाए। और फिर एक गेट ये लगा हुआ है, ये पार्क के बाहर का गेट है, बाकी वो ऑन रोड का था। तो हम लोग ने यहाँ पे रुके, अपनी वो ली पार्किंग और अंदर निकल गए। तो जैसे गेट से हम लोग एंट्री लिए थे तो गेट नंबर 1 है, ऐसे करके 3-4 गेट थे वहाँ पे। और इधर की तरफ वुलन का कुछ सेक्शन लगा हुआ था, ज़्यादा कॉस्ट नहीं थे, 150-250 ऐसे ही रेंज के थे ये। तो यहाँ बस मेरी फ्रेंड ने जस्ट प्राइजिंग के लिए उसने पूछा, और कुछ आइटम यहाँ थे भी अच्छे तो वो देखे, पर उतना अच्छा हम लोगों को लगा नहीं यहाँ पे कि कुछ लिया जाए। और अब आगे बढ़ गए ना, यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के स्टॉल लगे हुए थे, जैसे कि आप ये देख रहे हो ना, तो ये बिहार के कपड़ों का कलेक्शन है। मतलब बिहार में जिस तरीके से टेक्सटाइलिंग होती है कपड़ों की, उस तरीके का कपड़ा है। और ये अंकल बहुत प्यार से बोल रहे थे कि बेटा आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ बिहार के बारे में थोड़ा सा। पर मेरी फ्रेंड को बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, वो पहले कह रही कुछ खाते हैं, तो जिस वजह से हम लोग ने वहाँ पे रुके नहीं। और ये लगा हुआ है, ये हरियाणा का है, मतलब जैसे से राज्यों में काम होता ना, उसी के वहीं के ही लोग ये सारा मटेरियल लेके ऐसे एग्जीबिशन में आते हैं। तो आपको काफ़ी यूनिक आइटम्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे हम लोग ट्रैवलिंग भी करते हैं ना, तो भी वहाँ पर बेसिक नहीं जा पाते, जिस भी स्टेट में गए तो जो फेमस होता है हम लोग वहीं घूमते हैं, तो उनका जो बेसिक कल्चर होता है, जो बेसिक काम होता है, वो देखने को नहीं मिलता। पर ऐसे एग्जीबिशन में काफ़ी अच्छा, जैसे हम लोगों ने जम्मू कश्मीर का जो ये स्टॉल लगा हुआ था ना, तो यहाँ पे ये वाला मैंने सूट पूछा, जो कि हैंड कढ़ाई से बना हुआ था, मतलब हाथ से कढ़ाई करी गई थी। ये था, काफ़ी सारे शॉल थे, ये बनारसी था कपड़ा यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा था। प्राइस भी उसी अकॉर्डिंग ही थे, क्योंकि सामान अच्छा है तो प्राइस भी तो थे अच्छे खासे। तो ये साड़ी जो रेड कलर वाली है ना, ये 7,000 की साड़ी थी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और गेट नंबर 2 पे भी ऐसे ही कपड़ों का कुछ स्टॉल था। तो यहाँ पे एक दो चीज़ें मोनिका को अच्छी लगी, तो वो बोलती चलो अच्छा देखते हैं चल के क्या है। तो यहाँ के प्राइस भी देखिए आप, 250 का सेल पे है शायद, ये 250 की है, वो 350 की है, इसी रेंज में यहाँ पे था। तो कुछ चीज़ें उसे अच्छी लगी तो उसने बोला चलो देखते। तो हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा देखा, अंदर जाके भी देखा, और मुझे भी कुछ चीज़ें यहाँ पे अच्छी लग रही थी। मतलब विंटर के अकॉर्डिंग जो स्वेटर्स थी वो काफ़ी स्टोन टाइप की थी, डिज़ाइंस बहुत अच्छी थी, उसमें एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी थी। जैसे ये है ना, ये शिमरी वर्क का हाफ चर्ग है, और कोई भी ड्रेस के साथ आराम से चला जाएगा, बहुत सुंदर लग रहा था। पर ये शॉर्ट थी, तो मोनिका ने बोला कि नहीं ये शॉर्ट है, तो वो बोल रहे नहीं ये लाइक अ कवर अप है, तो ये उस तरीके का। और ये रहा एक वूलन टॉप। आजकल ना मुझे इस कलर से शायद प्यार हो गया है, बार बार मेरा हाथ इसी कलर पे जाता है। और देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, इसके नेक पे ना यहाँ पे अमेरिकन डायमंड से ही, उस स्टोन से ही डिज़ाइन बनाई गई हो, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। और इस तरीके के यहाँ बहुत सारी स्वेटर्स थी, और ये अच्छा लग रहा है यार, इनसे प्यार ही नहीं हट पा रहा अभी तक, पता स्कूल ले जाना कुछ। ये क्या चीज़ है, हाइलाइटर्स है क्या, फ्लोटिंग पेन है। अच्छा पहले उसको मारना पड़ेगा, तुमने अभी इसको मारा नहीं है। क्या चीज है, वो जेली है क्या, जेली टाइप में होता है, स्लाइम बोलते हैं। अच्छा अच्छा और यहाँ मिल गया मुझे हॉकिंस का कुकर, तो मैं उसे ही चेक कर रही थी कि सही से चलेगा कि नहीं चलेगा। मैंने उनसे पूछा सीटी लगेगी इसमें, तो अंकल ने बड़े प्यार से बोला बेटा अगर आपके पास ओरिजिनल गैस इस साइज़ की हो तो ज़रूर सीटी लगेगी। तो हमने कहा सच में अंकल, सच में लगेगी। हाँ बेटा ये पूरा नॉर्मल बड़े कुकर की तरह ही है। डाल के देखो, बहुत अच्छी लग रही है ब्राउन वाली। क्या प्राइस भी है उसका,
नहीं ऊपर वाली। ये बढ़िया है ये हेलो भैया 350 की मोनिका मेरे पास ऐसी ही है घर के लिए तो है तो क्या बाहर पहन हो गई बाहर के लिए नहीं है ये देखो होटल स्लीपर्स नहीं 350 की सीसा मोशी मिली थी अच्छा उधर रजाई वगैरह मिलनी क्या करेंगे चल के लेडीज टॉयलेट भी है क्यों रजाई नहीं निकालोगी अचार है ना इनके पास देखो इधर इधर पढ़ो ना इधर ये हम बताएं ये लहसुन का होगा ये मिर्ची का ये बड़ी मिर्ची का और ये चटनी है शायद आम के अचार के लिए आम का भी होगा ना ये आम का कितने का है पता मुंह में अजीब सा कुछ है आम का एक ही टाइप का है आपके पास कौन कौन सा है आम का राजस्थानी मैंगो पंजाबी मैंगो बिहार मैंगो इनमें से कौन सा है ये होगा शायद ये सब खरीदारी हम करने आते हैं तो हम कह रहे पहले हम ले लें उसके बाद संडे के दिन संडे को बड़े लोग के साथ आएंगे ना अचार अच्छा मैं अग्रवा सुनूँ देखो कटहल का अचार है ये क्या चीज़ है ये क्या भैया चुंदा ये क्या होता थोड़ा दिखाएंगे मैं इसको ये है क्या चीज अच्छा ग्रेटेड करके आम को लाइक गलका टाइप का बता तुम उसके बगल से क्या क्या है ये कितने का है इट इज टू सॉफ्ट यार क्वालिटी देखो ऐसा हाँ सॉफ्ट है अच्छा हर साल हमारे यहाँ सोसाइटी का है ये फुटपाथ वाला रेट वाला माल नहीं है हमारा अच्छा सब छोड़ो उसके पीछे हमको कुछ खाने के दिखा हाँ अभी चलेंगे वहीं जाएंगे हम अभी चलेंगे ये क्या है खिलौना बजाने का चलाने का हाँ ये ऐसे ही होगा ये कितने कितने ये दिखाइए जरा वो रखा हुआ है ना अशोक स्तंभ हाँ ये कितने का है ये कितने कितने का ये 100 रुपए का है इनके पास सामान अच्छा है वो सामने से देते हैं बच्चों के थोड़े से एक्सपेंसिव से अच्छे हैं सारा वुडन आइटम है आपके यहाँ ओ एम जी ऑल वुडन यार यार इनके यहाँ सामान सही बढ़िया हाँ मोनिका का शौक पूरा हो रहा है बचपन का ये क्या चीज है अच्छा अच्छा उस टाइप का हुक्का ही है कि और कुछ है दे मेरे लट्टू चल ला हेलो नहीं लगा दिया था कुछ रोकने रुकने वाला है ये 175 रुपीस खोलो ये वाली वुडन डॉल उसके अंदर चार है कहाँ ये अच्छा लग रहा है यार 350 का कहाँ पर ये वाली एक मिनट उठाइए जरा इसकी पूरा परिवार हाँ ऑरेंज वाली उठा दीजिए या ग्रीन ही उठा दीजिए कोई सी भी बड़ी वाली और सबसे छोटी वाली भी हाय ये बता मैंने उस पर देखा था और ये ट्रे कितने की है यार ये मोनिका ये देखो ये थोड़ा कम नहीं होगा क्या
रेट नहीं कम बता रहे, 5.5 है। ये वाला और कोई भी की सिर्फ 150 का कि 50 का ये 50 का है। यार कौन सी लकड़ी का है, लेकिन नीम की लकड़ी का है, नीम का है। कोमी हो रही, पकड़ो बंजर एक मिनट इसको।